नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वासु कंसल्टेंट, एरुका रीडर, पामिस्टन, रेकी हीलर, और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 19 अगस्त से 25 अगस्त के लिए। तो मैं आज की रीडिंग शुरू करूं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप सबके लिए। मैं अपना ऑनलाइन कोर्स ला रहा हूं। अगर आप भी मेरे जैसे इंटरनेशनल फेम के टैरो का रीडर बनना चाहते हैं तो जो मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है 9559673555, इस पर व्हाट्सएप करके ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एरिस राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 8 of Swords। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको एरिस राशि वालों को वार्न कर रहा है कि भाई जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा रियलिटी में कन्वर्ट होती नहीं दिखाई दे रही है। उसका रीज़न क्या है कि आपने शायद या तो पूरा होमवर्क नहीं किया, या आप कुछ चीज़ों को लेके अपने मन में डरे से हुए हैं कि ये मैंने कर लिया तो गलत हो जाएगा, इसमें कहीं नुकसान ना हो जाए मेरा, है ना। जैसे खासकर ये जो बिज़नेस करने की जो सोच रहे होंगे उनके मन में आ सकता है कि अगर ये हमने बिज़नेस किया पता नहीं नुकसान होगा कि नहीं, ये चलेगा कि नहीं, इस तरीके से बहुत कुछ मन में शक आ रहा होगा। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यस ऐसा हो सकता है, पर उतना कोई भयंकर स्थिति नहीं आ रही है जितनी आप सोच रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। आपको करना क्या है कि एक बार पूरे को फिर से रिविजिट करिए, कहाँ से माल लाएंगे, कहाँ पर सप्लाई करेंगे, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, कौन से आपके डीलर होंगे, कौन से सप्लायर होंगे, जो 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 आपका बिजनेस का, उसको एक बार से फिर से रिविजिट करिए। और अगर आप अपने जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसे आपके मन में फियर आ रहा है तो विजिट करिए कि रिविजिट करिए कि भाई अगर मैं जॉब ये ज्वाइन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मेरे परिवार पर उसका क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आएगा। एक बार उसको जब अच्छे से आप रिविजिट कर लेंगे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको करना क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें इस कार्ड में पीछे जो है क्लिफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि सक्सेस का सिंबल है कि आपको सक्सेस मिलनी है, पर उस चीज़ से जो आपने अपने चारों तरफ एक बना लिया ना, उसको जब तोड़ देंगे उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए करियर का। आपके लिए लेते हैं हम लोग रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप में भी आपके 3 of Swords कार्ड आए हैं। आपके रिलेशन भी इस बार थोड़े से स्ट्रेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई आपका अपना, खासकर आपका कोई लवर, कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई आपको चीट कर दे, वो आपको छोड़ के चला जाए, जैसे कहते हैं दिल टूटने वाला ब्रेकअप, वो सब संभव हो सकता है। पर उसको हम पॉजिटिव रूप में भी तो ले सकते हैं, क्योंकि जो आपको अगर प्यार करता है, जो आपको चाहता है, वो तो आपको नहीं छोड़ेगा ना। तो अगर कोई छोड़ के जा रहा है इट मीन्स वो आपको प्यार नहीं करता। तो अपने में अपनी ये मजबूती लाइए कि भाई मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो गया। और एक काम ज़रूर करिए, उसको ब्लेस करिए, उसको थैंक यू बोलिए कि तूने मेरे को जो अब तक दिया उसके लिए थैंक यू, तू जहाँ रह सुखी रह। अब क्या होगा कि ये तो आपने बोला, मन से बोला, यूनिवर्स में जाएगा, यूनिवर्स में आपके जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो जाएंगी और आपको फिर पॉजिटिव मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप उसको कर्ज करते रहोगे, बुरा भला कहते रहोगे, तो जो जो नेगेटिव एनर्जी निकालोगे वही आपको मिलने वाली है, राइट? अभी एक ने आपके साथ किया, जब नेगेटिव एनर्जी निकालोगे हो सकता है वैसा और एनवायरमेंट भी बन जाए, माहौल भी बन जाए। तो अपने को पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव वाइब्स निकालिए, आपके साथ पॉजिटिव होगा। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 9 of Cups। देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड, पर इसका मतलब क्या आ रहा है कि आपने जो मेरी गाइडेंस आ रही है, जो टैरो की गाइडेंस आ रही है अपने रिलेशंस को हैंडल करने की, अपने करियर को हैंडल करने की, अगर आपने उस हिसाब से हैंडल कर लिया तो आपकी जो हेल्थ है वो इस सप्ताह पूरी अच्छी जाती दिखाई दे रही है। हमेशा अपने पे काम करने की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों में कोई बाहरी व्यक्ति हमारी हेल्प कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप अपने में एनर्जेटिक हैं, काफ़ी आप में एनर्जी है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, और यही पॉजिटिविटी आपको आपके करियर में भी आगे ले जाएगी, आपके रिलेशन में भी उसको फेस करने की आपको हिम्मत देगी। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हो। और आपके लिए कार्ड निकालो उससे पहले एक जरूरी सूचना देना चाहूँगा कि मैं अपना ऑनलाइन कोर्स ला रहा हूं। अगर आप भी मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरे जैसे इंटरनेशनल फेम के टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, तो जो मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है ना 9559673555, आप उस पर व्हाट्सएप करके ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए करियर का क्या कार्ड आ रहा है।
करियर का कार्ड आया डेथ, और ये डेथ का कार्ड हमेशा शो करता है। एक्चुअल में तो जब डेथ को हम देखते हैं तो थोड़े से हम नर्वस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अरे यार ये तो डेथ हो गया, ख़त्म हो गई चीज़। पर ये ध्यान देने कि जब भी किसी की डेथ होती है तो हम लोग क्या मानते हैं कि वो दूसरा जन्म ले रहा है। तो आपके साथ भी अगर करियर में कोई एक चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई आपका एक करियर समाप्त हो रहा है, मान लो आपकी जॉब छूट रही है, चाहे आप छोड़ रहे हो या आपको एम्प्लॉयर आपका बोल रहा है कि जॉब छोड़ने के लिए कि साहब अभी वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस मतलब साइकिल ऑफ द लाइफ कि एक चीज़ ख़त्म होगी तभी दूसरी शुरू होगी। हमारी सांस भी तो है, जब एक सांस हम निकालते हैं तभी दूसरी सांस आती है ना, उससे पहले तो नहीं आ सकती। इसी तरीके से ये जो जॉब आपकी छूटेगी अगर, तभी आपको कोई दूसरी अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो तब भी आप खुशी मनाएंगे, चलिए बहुत अच्छा आपके साथ अब होने जा रहा है। जितना पॉजिटिवली आप इसको लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके साथ होएगा। बात करें अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी ऐसा बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है जो बिज़नेस आप कर रहे हो वो किसी कारण से आपको बंद करना पड़े, कोई आपने फ्रेंचाइजी ली हुई थी वो आपको छोड़नी पड़े, आपको टेंडर मिल गया पर किसी ना किसी कारणवश हो सकता है वो टेंडर कैंसिल हो गया या आपको उस पर काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा, बड़ा निराश हो रहे हो। और अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो खुश हो जाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर आपको कुछ मिलने का इंतज़ार कर रहा है। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा कार्ड रिलेशनशिप के लिए, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया। कोई ना कोई आपके लाइफ में आपका पुराना साथी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्लासमेट है ना, बैचमेट, कोई फिर से आपकी लाइफ में अपीयर हो सकता है। और अपीयर होने का मतलब है कि आप फिर से आप उसके साथ डेट पे भी जा सकते हैं, उसके साथ अच्छे रिलेशन बन सकते हैं, इवन वो आपके मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं या आपके बिजनेस रिलेशन उसके साथ डेवलप हो सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है, अच्छी बात ये है कि जो आपका समझा हुआ साथी है पुराना, जिसके साथ आप पहले रह चुके हैं, पहले समय बिता चुके हैं, वो आपकी लाइफ में फिर से एंटर कर रहा है या कर रही है, जिससे कि आपकी बहुत चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है आपका टेन ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है इस सप्ताह, क्योंकि आपके ऊपर या तो वर्क का, एक्सेसिव वर्क का, या जो रिलेशन के कारण कहीं कोई सेटबैक मिल जाता है उसके कारण, ठीक है, उसके कारण हेल्थ में इशू आ सकता है। ये भी संभावना आ रही है कि रोड पे आपका, रोड का एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्जरी भी पॉसिबल है, आपकी चोट लगने की संभावना आ रही है। तो चोट तो घर में भी लग सकती है, चोट बाहर भी लग सकती है, तो करना क्या है, जितने प्रिकॉशन ले सकते हैं लीजिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए कि आम हेल्दी, मेरा हेल्दी टाइम चल रहा है, मैं एकदम बहुत हेल्दी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरीके से जब आप अपना एफर्मेशन देते रहोगे तो जो चीज़ आनी है वो टल भी सकती है। तो ये था टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में। और आपके लिए करियर का कार्ड निकालूँ, उससे पहले छोटी सी जरूरी सूचना, मैं अपना ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहा हूँ टैरो रीडिंग के लिए। अगर आप भी मेरे जैसे इंटरनेशनल फेम के स्पीकर बनना चाहते हैं, टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादा डिटेल के लिए जो नीचे नंबर दिया हुआ है 9559673555, इस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको डिटेल शेयर की जाएगी। तो चलिए देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। करियर के लिए कार्ड आया है 9 of Wands, एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जेमिनी राशि वालों के लिए सप्ताह एक्सेसिव वर्क इनके ऊपर आता दिखाई दे रहा है, इनके ऊपर काम ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है, जो इनको अलॉटेड वर्क है उससे ज़्यादा इनको करना पड़ रहा है। अब चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, या आप कहीं पर जॉब करते हो, आपके ऊपर एक्सेसिव वर्क आ रहा है। पर गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड है, एनर्जेटिक जो आप बने रहते हैं, उससे वो जो आपकी स्थिति आ रही है, जैसे एडवर्स स्थिति भी आ रही है, आप उसको अपने फेवर में कर लेंगे, उसको किसी न तरीके से आप सुलझा लेंगे। और जो मैं अक्सर बात करता हूँ 3D पे काम करने की, अगर आपने नहीं सुना उसको फिर से सुन लो। 3D पे काम करें यानी कि अपना काम या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो आपके जूनियर्स हैं, छोटे हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनमें बांट दो कि ये काम तुम करोगे,
ठीक है, या डेलीगेट कर दो। डेलीगेट कैसे करते हो, जो जिस काम में सक्षम होता है, जो जिस काम में कैपेबल होता है, उसको वो काम सौंप दिया आपने, या डिलीट कर दिया कि भाई इस सप्ताह इसका ज़रूरत नहीं। तो जब 3D पे काम करोगे तो वो जो एक्सेसिव वर्क है वो कम हो जाएगा, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि रिलेशनशिप को लेके आप थोड़े से ज़्यादा सोच में पड़ सकते हैं कि मैं इन रिलेशन को कैसे निभाऊं, क्योंकि हो सकता है कि जो ये मेरे प्रोग्राम देख रहे हो, खासकर अगर वो फीमेल हैं और सिंगल मदर हैं या सिंगल वुमेन हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये ज़्यादा लागू हो रहा है कि आप एक तो अकेले हैं, आपके मन में ये भावना आ सकती है कि मैं दूसरों के साथ कैसे अब आगे बढ़ सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ आपको सेटबैक मिले जिसके कारण ये अकेलापन आपकी लाइफ में है। पर ये अच्छी बात है कि आप जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, अगर कार्ड में देखें जो क्वीन बैठी हुई है, इसके ऊपर मरमेड्स भी हैं, तो ये आपको बता रहा है कि जो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपको नए रिलेशन बनाने में या रिलेशन रिवाइव करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आप इस तरीके के हैं या आपके आसपास का कोई ऐसा है तो उसकी लाइफ में ऐसा होता दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं हम लोग जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, तो आपके साथ या आपके घर में ऐसे होने की संभावना आ रही है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ को लेकर कार्ड आया है आपका जस्टिस, और ये कार्ड जैसे आप देख रहे हैं जस्टिस का मतलब क्या है कि आपके साथ जस्टिस होगा। इसका मतलब अगर आपने पास्ट में पिछले हफ्ते, उससे पहले दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा है, अपनी बॉडी का ख्याल रखा है, आप जिम गए हैं, आप वॉकिंग गए हैं, जॉगिंग गए हैं, है ना, आपने एक्सरसाइज किया है या योगा किया, कुछ भी आपने अपनी सेहत के लिए ध्यान रखा है, टाइम से उठो, तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट इस सप्ताह से मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो कह रहे हैं ना मेरे पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आपको अब अपने में फ़र्क दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव साइड है। दूसरा साइड ये भी है कि क्योंकि ये जस्टिस कार्ड है, आपके साथ जस्टिस होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह, यानी कि अगर आपने पहले पूरे सप्ताह या 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना अपने सेहत पर ध्यान नहीं रखा, तो उसका आपको एडवर्स इफेक्ट भी आपको झेलना पड़ सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकालो, उससे पहले एक छोटी सी जरूरी सूचना, मैं बहुत ही जल्दी अपना ऑनलाइन कोर्स ला रहा हूँ टैरो रीडिंग के लिए। आप भी मेरी तरह अगर इंटरनेशनल फेम के टैरो का रीडर बनना चाहते हैं तो मेरा कोर्स ज्वाइन करिए, जो उसमें नीचे नंबर दिया हुआ है 9559673555, इस पर आप व्हाट्सएप करके और डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। आपके लिए करियर का कार्ड आया है द हैंगमैन। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, पर साथ के साथ कई मैसेज भी दे रहा है। पॉजिटिव कार्ड तो यह है कि आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है, पर उसके साथ साथ क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए आपको गाइडेंस आ रही है, एक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। जल्दबाजी करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, या रिजल्ट हो सकता है पलट भी जाए। तो पहली बात तो आपको पेशेंस रखना है, दूसरा आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है। अब ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को अपना आदत छोड़ना पड़ेगा, किसी को कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, किसी को वो जो हैंग आउट करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वो छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि अचीवमेंट की बात आ रही है ना, जब आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो आपको यही चीज़ें छोड़नी पड़ती है, अपना आलस, अपना लेथर्जी एटीट्यूड, अपना प्रोकास्टिनेशन, ये आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये जब छोड़ेंगे, पेशेंस रखेंगे, अब देखिए जो आप चाह रहे हो आपको रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द हैरोफेंट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद आप अपने लवर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेसफुल रिलेशंस हो रहे हैं, और आप चाह के भी उन रिलेशंस को अच्छा नहीं कर पा रहे हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई किसी समझदार को बीच में डाल दो। बीच में डालने का मतलब आप उनसे रिक्वेस्ट करिए हेल्प की, वो ऐसा कोई व्यक्ति जो आप दोनों को जानता हो, आप लोगों को समझता हो, क्योंकि आप हैं तो जेन्यून, है ना। अब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है,
उसको दूर करने की ज़रूरत है। आप एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाह रहे, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे, फ़ोन एक दूसरे का आप काट रहे हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, तो सॉल्व कैसे होगा? अपने किसी बड़े भाई को, बड़ी बहन को, मॉम को, और अगर डैड से कंफर्टेबल है तो डैड को, बॉस को, फ्रेंड्स को बीच में ना लाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर बायस्ड हो जाते हैं, है ना। तो किसी ना किसी बड़े को, किसी समझदार को जब आप बीच में लाएंगे, तो जो आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं वो संभल जाएंगे और आगे अच्छे हो जाएंगे। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। आपको इस सप्ताह के लिए बहुत क्लियर गाइडेंस है कि आपको अपनी सेहत के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप कर रहे हैं, ये भी सही बात है, पर अब भी वो सफिशियंट नहीं है। जैसे हो सकता है आपने वॉकिंग शुरू कर दी हो, जॉगिंग शुरू कर दी हो, आपने जिम जाना शुरू कर दिया, पर जो अभी आप कर रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट से कम है। आप अभी उस, हो सकता है कि डाइट कंट्रोल ना कर पा रहे हो, सोने के टाइम अभी आपने ना सही ना किए हो, देर रात तक जगते रहना, सुबह देर तक सोते रहना, ये सभी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। इस पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा आप अपने इन चीज़ों पे काम करोगे आपकी सेहत अच्छी होती चली जाएगी। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। आपके लिए मैं करियर का कार्ड निकालूं, उससे पहले छोटी सी सूचना, मैं आप सबके लिए ऑनलाइन टैरो रीडिंग का कोर्स ला रहा हूं। अगर आप भी मेरे जैसे इंटरनेशनल फेम के टैरो का रीडर बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करें। ज़्यादा डिटेल के लिए जो नीचे नंबर दिया हुआ है 9559673555, इस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको डिटेल शेयर की जाएगी। तो चलिए देखते हैं लियो सिंह राशि वालों के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है करियर के लिए। करियर के लिए कार्ड आया आपका 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको लोगों के साथ एडजस्ट करके चलने की ज़रूरत है इस सप्ताह। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स, दूसरे के परिप्रेक्ष्य में सोचिए, दूसरे के एंगल से सोचिए कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता, मैं उसकी जगह होती तो क्या करता, क्योंकि क्या होता है कि हम एक ही एंगल से देख रहे होते हैं, एक ही साइड से देख रहे होते हैं, तो हमें एक ही साइड दिखाई दे रहा होता है, हमें दूसरा पक्ष दिखाई नहीं देता। जबकि प्रॉब्लम कई बार दूसरे पक्ष पे होती है, हम उसको देख ही नहीं पा रहे, तो जब हम उसको देख नहीं पा रहे तो उसका सोल्यूशन हम क्या निकालेंगे। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं आप कैपेबल हो, एनर्जेटिक हो, समझदार हो, आप में क्षमता है, बस हो क्या रहा है कि आप दूसरे का एंगल नहीं देख पा रहे हो। दूसरे का एंगल भी देखना शुरू कर दो, अब आपका देखें कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कैसे आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लेके बताइएगा ज़रूर। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। यस, थोड़े से आप रिलेशन को लेके इमोशनल भी हो सकते हैं इस सप्ताह, आपका मूवमेंट भी हो सकता है। और मूवमेंट नॉर्मली हमारा कब होता है रिलेशन को, या तो भाई हम डेट पे हैं अपने जो भी हमारा फियांसी है उसके साथ मिलने के लिए हम दूसरे शहर जा सकते हैं, ठीक है, या तो एक हमारे यहाँ कल्चर है इंडिया में कि हम लोग शादी से पहले एक दूसरे से मिलते ज़रूर हैं, हमारे परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो बात करने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए आप दूसरे शहर जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपका जो, अगर इस तरीके से आपका कोई स्टेप लेते हैं आप, ऐसे आपकी लाइफ में सप्ताह होता है, तो वहाँ रिलेशन आपके लिए बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। आप बेफिक्र होकर वहाँ पर बाकी चीज़ें अगर आपको सूट करते हैं तो यू कैन गो अहेड। कार्ड डिवाइन का मैसेज आपके लिए पॉजिटिव है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है किंग ऑफ सोल्स। थोड़ा सा आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि आप काम में बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ व्यवहार भी अच्छा कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो अपना ध्यान नहीं देते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं देते हैं। बॉडी के साथ आप बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करते रहे, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उनके साथ लगे रहे, दिन रात नहीं देखा, खान पीन नहीं देखा, सोना नहीं देखा, तो क्या हो रहा है कि आप एक फ्रंट पे, दो फ्रंट पे तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, अपने करियर में बहुत अच्छे हो रहे हैं, अपने रिलेशन में बहुत अच्छे हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव असर, एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर आ रहा है। कार्ड आपको बहुत ज़्यादा क्लियर सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो वेदर है आसपास का, देखे इसमें स्टॉर्मी वेदर दिखा रहे हैं, वो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, और वो केवल आप ही कर पाओगे। आपकी सेहत बिगड़ती दिखाई दे रही है, उसको अभी संभाल लीजिए, अदरवाइज आगे आने वाले समय में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है रेड।
आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकालूँ उससे पहले एक छोटी सी सूचना, मैं आप सबके लिए ऑनलाइन टैरो रीडिंग का कोर्स ला रहा हूँ। अगर आप भी मेरे तरीके से इंटरनेशनल फेम के टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, अपनी एडिशनल इनकम करना चाहते हैं या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी इसको बनाना चाहते हैं, तो मेरा जो कोर्स आ रहा है आप इसको ज्वाइन करें। ज़्यादा डिटेल के लिए जो नीचे नंबर दिया गया है 9559673555, इस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको डिटेल शेयर की जाएगी। तो चलिए देखते हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए क्या कार्ड आ रहा है करियर के लिए। करियर के लिए आपका कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अच्छा है, आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं करियर को लेके। जो भी आप इस सप्ताह शुरू करेंगे, चाहे आप नया जॉब शुरू करें, कॉलेज में आपका एडमिशन हो, नया बिजनेस कोई शुरू करें, बिजनेस एक्सपेंशन करें, आपका प्रमोशन, क्योंकि ये सब की पॉसिबिलिटी और हर एक के लिए अलग अलग पॉसिबल है, तो जो भी आपका होगा आपके लिए बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। और उसमें आपका मॉनेटरी गेन काफ़ी ज़्यादा आते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, नया कुछ करने की सोच रहे थे, इस सप्ताह वो आपका शुरू होता दिखाई दे रहा है। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 8 of Wands। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई दो स्थिति सामने आती दिखाई दे रही है। एक आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप को लेके। मूवमेंट कब होता है रिलेशनशिप को लेके, हम इसको दो एंगल से देख सकते हैं। एक आपका प्रोफेशनल यानी कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से आपका दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया, तो एक तो ये अब वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वहाँ नए लोगों के साथ आपकी दोस्ती होगी, नए लोगों के साथ जान पहचान होगी। दूसरा आपका मूवमेंट पर्सनल रिलेशन को लेके कि आपके अगर शादी की बात चल रही है किसी दूसरे शहर में, आप अपने जिनसे भी आपकी शादी की बात चल रही है उनके परिवार से मिलने के लिए आप जा सकते हैं। और एक इसके साथ इंडिकेशन ये भी है कि जो भी आपको निर्णय लेना है बहुत जल्दी निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वो निर्णय आपके फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर कार्ड निकला है द एम्परर। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, पर यह कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि भाई अपने साथ थोड़ा सा न्याय करिए, ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं, लोगों के बहुत काम आते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, डेडिकेटेड हैं, ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट, पर आपको अपने सेहत के लिए भी तो ख्याल रखना है। अपने सेहत के लिए टाइम निकालिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, रात को देर देर तक मोबाइल देखने की या टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है, फाइलें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप भले ही कितने भी हायर पोजीशन हो, क्योंकि ये कार्ड उनके लिए ज़्यादा सुटेबल आ रहा है जो काफ़ी हायर पोजीशन पर है, तो आप हायर पोजीशन पर हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपनी फाइलें आप घर पे लेके आ गए। अपने को आप टाइम दीजिए, कार्ड का क्लियर मैसेज ये है, अगर आपने आज अपने को टाइम देना शुरू नहीं किया तो हो सकता है कल को आपकी स्थिति बिगड़ जाए। आज स्थिति ठीक है, पर ये एक वार्निंग सिग्नल टाइप का है आपके लिए। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए ये था, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में। और आपको करियर का कार्ड निकालें उससे पहले एक छोटी सी सूचना, मैं आप सबके लिए ऑनलाइन टैरो रीडिंग का कोर्स लेके आ रहा हूं। अगर आप भी मेरे तरीके से इंटरनेशनल फेम के टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा कोर्स ज्वाइन करिए। ज़्यादा डिटेल के लिए जो नीचे नंबर दिया हुआ है 9559673555, उस पर आप मैसेज दीजिए, आपको डिटेल शेयर की जाएगी। तो चलिए देखते हैं लीब्रा तुला राशि वालों के लिए करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। करियर के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ सोल्स। लीब्रा राशि वाले कुछ ज़्यादा ही जल्दी में दिखाई दे रहे हैं अचीवमेंट को लेके, अपने गोल को अचीव करने के लिए, है ना। अभी हमारा तीसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, पर आपको लग रहा है कि इस महीने का आप जितना का भी प्रोडक्शन है वो इसी सप्ताह पूरे कर लें, इस महीने के सारे गोल आप अभी अचीव कर लें, नहीं पॉसिबल होता है ना, हर चीज़ अपने टाइम पर होती है। आप अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं, दूसरों के ऊपर कह सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर अगर किसी से बात कहेंगे कि तुम ऐसा करो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम कुछ भी ऐसे आप डांटे लग जाओगे, तो लोगों का मोरल भी डाउन हो जाएगा, उनकी एनर्जी जो है अननेसेसरी डिप्लीट हो जाएगी, और आपकी एनर्जी गुस्सा करने में निकल जाएगी, यानी कि प्रोडक्टिव काम में नहीं जाएगी।
तो आपकी एनर्जी भी बेकार गई, जो आपके जूनियर्स हैं आपके साथी हैं उनकी एनर्जी भी आपने बेकार कर दी, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? और जब आप गुस्सा करेंगे तो उसका असर कहाँ पर आने वाला है? आपकी सेहत के ऊपर। तो ना आपको आपको प्रोडक्शन मिला, ना आपके साथियों का साथ मिला, ना आपकी सेहत मिली, तो ऐसे काम से क्या फ़ायदा? नॉर्मल पेस पर चलिए। आप अपना आइडिया सबको क्लियर कर दीजिए कि आप इतना प्रोडक्शन चाहते हैं, लेट अस वर्क टुगेदर। उनको मोटिवेट करो, उनको अपने साथ लेके चलो। जब आप मोटिवेट करोगे कि ये हो सकता है आपके इस समय ज़रूरत भी हो कि इतने टाइम में ख़त्म करना है, कुछ ऐसा ऐसा ऑर्डर आपको मिला, सबकी मीटिंग करिए, बुलाइए, सॉरी सबको बुलाइए और उनको शेयर करिए कि इमरजेंसी क्यों है, अर्जेंसी क्यों है। जब आप उनसे शेयर करोगे वो आपका साथ देंगे, तब आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। गुस्सा करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है। शायद जो मेरी सजेशन आ रही है कि गुस्सा ना करें, शायद उसके ऊपर आप अमल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, तभी आपका रिलेशनशिप का कार्ड आया कि रिलेशनशिप आपके बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह, बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप जैसे आया कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्रोध कर सकते हो, एग्रेसिव हो सकते हो, तो इन चीज़ों को कौन बर्दाश्त करता है? जब आप कोई बर्दाश्त नहीं करेगा तो आपके क्या होंगे, उनके साथ रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो आपको काम अपने पे भी करना है कि आप जो अननेसेसरी लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आपको उसको ब्रेक करना होगा, तभी आपके रिलेशन नॉर्मल चल पाएंगे और उसका आपके करियर पे भी पॉजिटिव असर आएगा। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड आया द टावर। देखिए अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड तो नहीं कह सकते हैं, अगेन ये तीसरा कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप केवल मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो, समझ नहीं रहे हो या उसको अपनाना नहीं चाह रहे हो। ये तीसरा कार्ड क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस सप्ताह ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उसका शुरुआत कहाँ से होने जा रही है? आपकी बोली से आके, आप एग्रेसिवनेस पे। आप एक जगह कंट्रोल करिए, आपके रिलेशंस भी बने रह जाएंगे, आपकी हेल्थ भी बनी रह जाएगी। तीसरा कार्ड आपका क्लियर ऐसा आ रहा है, एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि आपको वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। और देखिए वहाँ पर काम आप ही को करना है, उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो मैं फिर से आपसे अर्ज करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि तीन कार्ड कंटिन्यू एक मैसेज दें, ये बहुत रेयर होता है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपका काम भी नहीं बनेगा, आपके रिलेशन भी ख़राब हो जाएंगे, आपकी सेहत भी ख़राब हो जाएगी, सिर्फ एक चीज़ के कारण, आपके एग्रेसिवनेस के कारण। तो उसको कंट्रोल करिए। तो ये था तुला राशि वालों के लिए सप्ताह का। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर के कार्ड निकाले। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट छोटी सी सूचना, मैं आप सबके लिए ऑनलाइन टैरो रीडिंग कोर्स ला रहा हूं। अगर आप भी मेरे जैसे इंटरनेशनल फेम के टैरो का रीडर बनना चाहते हैं और अपनी एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन करिए। ज़्यादा डिटेल के लिए जो नीचे नंबर दिया गया है 9559673555, उस पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कार्ड आ रहा है करियर का। करियर के लिए कार्ड आया आपका 5 of Pentacles। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं स्कॉर्पियो राशि वालों को, इस सप्ताह थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कैश लॉस हो सकता है, मॉनेटरी लॉस हो सकता है। अब कैश लॉस ऐसे भी हो सकता है कि आपका पिक पॉकेटिंग हो जाएगी, ठीक है, पर उससे ज़्यादा ये भी पॉसिबल है कि आपने, अगर कहीं बिजनेस पर्सन है आप, आपने कहीं बार माल भेजा, वहाँ से आपको पेमेंट नहीं आया, या आपने एडवांस पे कर दिया, वहाँ से माल नहीं आया, तो इन ईदर वे आपका कैश लॉस या फाइनेंशियल लॉस होता दिखाई दे रहा है। तो आप कर क्या सकते हैं, इस रीडिंग का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? रीडिंग का फ़ायदा, अगर आप कहीं पर माल आपको भेजना है, पूरा एडवांस आप लेके तब माल भेजिए, ठीक है। किसी से कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, ठीक है, आप उसको पे तब करिए जब आपको दिख जाए कि सामने आपको डिलीवरी हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग से आप इस सप्ताह बचिएगा, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपका नुकसान होता दिखाई दे रहा है। एक ये भी संभावना है कि आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर कोई चल रही थी, उसमें कुछ रिकवरी आपके ऊपर हो सकती है, कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है उसकी भी रिकवरी हो सकती है, तो वो भी फाइनेंशियल लॉस में आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आज की डेट में या इस सप्ताह को फाइनेंशियल लॉस हो, तो पीछे कुछ काम किए गए थे, लाइक जैसे कोई गवर्नमेंट ड्यूज निकल के आ रहा है, वो आपको पे करना पड़ सकता है इस सप्ताह। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड आया, पॉजिटिव कार्ड आया है।
हैप्पी कार्ड है, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, जो पुराने रिलेशन है वो और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, आपकी शादी की बात चल सकती है, शादी की बात तय हो सकती है, आपकी लव लाइफ शुरू हो सकती है, अफेयर शुरू हो सकता है, सब तरीके से आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और अगर मैं इसको प्रोफेशनल रूप में लूँ, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको आपके बिजनेस के लिए कोई नया बिजनेस हाउस भी आपके साथ जुड़ जाए, जिससे कि आप बहुत अच्छे ग्रो कर सकती हैं। ये स्कॉर्पियो राशि के लिए अगर हम लोग बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है द मैजिशियन। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, लगातार अपने एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, वॉक करते हो, जॉगिंग करते हो, डाइट कंट्रोल करते हो, टाइम से सोते हो, उसका असर आपको इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है, इस सप्ताह भी और आगे भी आएगा, क्योंकि वो एकदम से चेंज नहीं हो जाता। जो आप अपने पे काम कर रहे हो उसका पॉजिटिव असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा इस सप्ताह। आप अगर इंचेस कम करना चाह रहे थे वो आपको विजिबल हो जाएंगे, वेट कम करना चाह रहे थे वो विजिबल हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा कार्ड आया है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है इस बार का येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकालूं, उससे पहले एक छोटी सी सूचना, मैं आप सबके लिए ऑनलाइन टैरो रीडिंग कोर्स लेके आ रहा हूं। अगर आप भी मेरे तरीके से इंटरनेशनल फेम के टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, अपनी एडिशनल इनकम चाहते हैं, या पूरा फुल फ्लैश भी यही काम करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करिए। ज़्यादा डिटेल के लिए जो नीचे नंबर दिया गया है 9559673555, इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए रिलेश। सबसे पहले करियर की, तो करियर के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस धनु राशि वालों को इस सप्ताह कोई ना कोई बड़ा काम, बड़ी सूचना, पैसे से रिलेटेड कहीं से बड़ी मनी मिलती दिखाई दे रही है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत एनर्जेटिक कार्ड है, पॉजिटिव वाइब के साथ एक कार्ड है। यानी कि अगर आपको कहीं पर आपने कोई टेंडर डाला हुआ था, वो टेंडर अलर्ट हो जाएगा, उसका आपको एडवांस पेमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, आप कोई नया कहीं नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, वो नया बिजनेस शुरू होके वहाँ पर अच्छी सेल, अच्छा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे थे, आपका प्रमोशन होना का ड्यू था, वो भी आपको मिल सकता है, या कहीं से सडनली भी आपको पैसा मिल सकता है, जिसे कहते हैं ना गड़ा धन मिलना, है ना। कोई आपके पुराने कोई बुजुर्ग होंगे, वो आपके नाम से कुछ छोड़ गए होंगे, कहीं से जैकपॉट टाइप का कुछ भी आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सैजिटेरियस धनु राशि वालों को इस सप्ताह मॉनेटरी गेन बहुत अच्छा बड़ा होता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया पेज ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपका रोमांस शुरू होता दिखाई दे रहा है, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस सप्ताह मदरहुड भी हो सकती है, यानी कि आप फैमिली प्लानिंग वे पे जा भी सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं, ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपका नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांसेज हैं। आपका लव अफेयर शुरू हो सकता है, आपका नए रोमांस शुरू हो सकता है। कुल मिला के आपकी लाइफ में लव लाइफ आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है, आपके लव रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और जो बात हो रही थी मदरहुड की, तो वो भी तो क्या हो रहा है कि एक छोटा सा बेबी, वो भी तो प्यार लेके आता है हमारी ज़िंदगी में। तो किसी ना किसी रूप में आपकी लाइफ में एडिशनल प्यार आपकी लाइफ में इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। बात करें सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लेके कार्ड आया है बहुत ही अच्छा कार्ड। ये तीनों कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। मैं जरूर आपको बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनकी लाइफ में ऐसा ही सब कुछ घटित हो। क्योंकि ये जो हेल्थ का कार्ड आया, ये भी आपका फर्टिलिटी का कार्ड है। अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई नई लव रिलेशन आता दिखाई दे रहा है, या नया बेबी आता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। फैमिली प्लानिंग वे पे अगर आप जा रहे हैं, या मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपको वो शुभ सूचना भी मिल सकती है। आपकी तीनों कार्ड बहुत अच्छे हैं, और आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है इस सप्ताह, कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। ये था सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकालूं, उससे पहले एक छोटी सी सूचना,
मैं आप सबके लिए ऑनलाइन टैरो रीडिंग का कोर्स लेके आ रहा हूँ। अगर आप भी मेरे तरीके से इंटरनेशनल फेम के टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा कोर्स ज्वाइन करिए। ज़्यादा डिटेल के लिए जो नीचे नंबर दिया गया है 9559673555, इस पर आप व्हाट्सएप करें, डिटेल आपको शेयर की जाएगी। सॉरी, तो बात करें कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए करियर का कार्ड, तो करियर का कार्ड आपका आया है द क्वीन ऑफ सोल्स। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो सकता है जो वुमेन हो, वर्किंग वुमेन हो, प्लस घर का भी काम उनको पूरा देखना पड़ता हो, यानी कि जिनको वर्क लाइफ बैलेंस करने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि घर पे भी आपके काम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऑफिस में भी आपके काम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और आपकी जो क्षमता है, आपकी कैपेबिलिटी है, आप उस दोनों को अच्छे से बिठा भी लोगे, क्योंकि घर में आपके जो सिबलिंग्स हैं या आपके जो किड्स हैं उनकी डिमांड कुछ एक्स्ट्रा हो सकती है। लाइकवाइज ऑफिस में भी जो आपके जूनियर हैं, आपके कलीग्स हैं, इवन आपके बॉस हैं, उनकी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स हो सकती हैं। कुछ आपकी तरफ गाइडेंस के लिए भी आपकी तरफ आ सकते हैं कि मैम भी हमें गाइड करिए, तो किसी ना किसी रूप में आप उनको गाइड भी करोगे। पर एक बात ये भी कि अगर कोई आपकी भली मानसता का, आपकी सीधेपन का कोई फ़ायदा उठाना चाहेगा, तो आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप उसको बहुत ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसको जवाब भी दे सकते हो, उसको कट भी कर सकते हो। कट करने का मतलब उसको उसकी औकात दिखाना है ना, तो ये भी आपकी कैपेबिलिटी है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, आपको अपनी क्षमताएं दिखाने का और मौका मिलता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। बात करें कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है टू ऑफ सोल्स। कहीं ना कहीं हो सकता है कैप्रिकॉन वाले रिलेशनशिप की दुविधा में फंस सकते हैं, जैसे कि आपका पहले भी आया था वर्क लाइफ बैलेंस, ये भी आपका रिलेशनशिप कि मैं काम पे ज़्यादा ध्यान दूँ या ऑफिस पे या घर पे, किस चीज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि आपके लिए दोनों ही फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर डैम सीरियस टाइप ऑफ पर्सन, आप मतलब किसी चीज़ में चोरी नहीं करना चाहते हो, अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हो, अपना दी बेस्ट देना चाहते हो, पर दोनों ही जगह आपका डिमांड ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ी सी इस उलझन में आप हो सकते हो। पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर हो रहे हो, पर अगर आप फिर से ध्यान देखोगे कि आपकी कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर आप फोकस कर लोगे, आप दोनों जगह एडजस्ट भी कर ले जाओगे। प्लस ये भी स्थिति आ सकती है कि आप आपकी मैरिज की बात चल रही हो, वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हो, आप उनमें कंफ्यूज हो सकते हो। अगेन आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आप दोनों को जब सही से एनालाइज करोगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बात करें कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका आया है एट ऑफ कप्स। थोड़ा सा हेल्थ को लेके आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं अपनी सेहत को लेके, शायद उतना असर नहीं आए। आप जितने इंचेस कम करना चाहते हैं, जितने आप केजी कम करना चाहते हैं, शायद उतना कम ना हो, विजिबल नहीं हो रहा है, एक्चुअल में फ़र्क पड़ रहा है, कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है। आप क्या देख रहे हो कि आपने जो एक महीना पहले शुरू किया काम, या 15 दिन पहले शुरू किया, एक हफ्ता पहले शुरू किया, उसका आपको रिजल्ट इमीडिएट सामने नहीं दिख रहा, पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो स्टोर में हैं, आ रहे हैं, थोड़े आगे समय में वो आपको दिखने लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो आप काम कर रहे हो उसको करते रहिए, चाहे जो एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट कंट्रोल कर रहे हो, वॉकिंग जॉगिंग जो भी कर रहे हो उसको करते रहो, अल्टीमेटली आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। और उसको छोड़ के आगे मत बढ़िए कि अब जिम जाने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि रिजल्ट आपको बस आने ही वाले हैं। यह था कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकालूँ, उससे पहले एक छोटी सी सूचना, मैं आप सबके लिए ऑनलाइन टैरो रीडिंग का कोर्स ला रहा हूँ। अगर आप भी मेरे तरीके से इंटरनेशनल फेम के टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन करें, अपनी इनकम बढ़ाइए, फेमस होइए, ठीक है। और डिटेल चाहिए तो जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करिए 9559673555। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है करियर के लिए। करियर के लिए कार्ड आया है द फूल। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो राह चुनी तूने उस राह पे चलते जाना रहे,
क्योंकि जो राह आपने चुनी है उस पर आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। यस, थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ रहा है, पर वो आप रिस्क भी लीजिए, चैलेंज भी फेस करिए। और अगर आपका कोई अपना चाहने वाला, अपना कोई सीनियर, आपका कोई सिबलिंग, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, कोई आपको वार्न करता है, अगर आपको बताता है कि भाई इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, तो एक बार उसको सुन जरूर लेना। किसी के कहने पे आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पर कोई कह रहा है उसको एक बार ध्यान से सुन जरूर लेना कि हो सकता है आपके लिए उसमें से कोई एक फ़ायदे की बात निकल जाए, जिससे कि आपका जो अचीवमेंट है वो बढ़ जाए। कार्ड एक चीज़ और बहुत अच्छी से इंडिकेट कर रहा है, आप जो रिस्क लेना चाह रहे हैं कहीं पर कोई इश्यू आता नहीं दिखाई दे रहा है, सफलता आपके कदम चूमेगी। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुछ लोगों के कारण आप अपने रिलेशन से, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यार ऐसी बात तो एक दो लोगों ने खराब किया आपके साथ, एक दो लोगों ने चीट किया है, सबने थोड़ी किया है, तो इन उन एक दो के लिए बाकियों से रिलेशन क्यों खराब करना। कार्ड आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि जो आपके साथ अभी भी हैं उनको वैल्यू देना सीखिए, उनको उतना रिस्पॉन्स दीजिए, उतना रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो अभी भी दे आर ऑलवेज विद यू इन योर एवरी थिक एंड थिन, तो उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो छोड़ गया उसको भूल जाओ, कोई इशू नहीं है, वो आपके लायक होते तो आपको छोड़ते भी ना। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी रिजिट होते दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप जो भी एक्सरसाइज, जिम या ये सब ना करें, कि सब मेरे को इन पे भरोसा नहीं है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो सब एक्सरसाइज कर रहे हैं पर आप डाइट पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि साहब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ज़माने में कौन से लोग डाइट कंट्रोल करते थे, सभी जने खूब खाते थे, हेल्दी रहते थे। हर समय चीज़ें बदलती रहती हैं अभी भी, और दूसरा हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपकी जिद है उसको छोड़ दीजिए, किसी भी एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, उसके ऊपर काम करिए, तब आपकी सेहत अच्छी होती दिखाई दे रही है। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकालूँ, उससे पहले एक छोटी सी सूचना, मैं आप सबके लिए ऑनलाइन टैरो रीडिंग का कोर्स लेके आ रहा हूँ। अगर आप भी मेरी तरीके से इंटरनेशनल फेम के टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन करें। ज़्यादा डिटेल के लिए जो नीचे नंबर दिया गया है 9559673555, इस पर आप व्हाट्सएप करें, आपसे डिटेल शेयर की जाएगी। तो अब चलें देखते हैं पाइसिस मीन राशि वालों के लिए क्या कार्ड आ रहा है करियर के लिए। करियर के लिए कार्ड आया है टेम्प्रेस कार्ड, इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें पीछे सन भी है, तो सन का मतलब क्या होता है, ब्राइट सन है, आपको वो रिजल्ट देता दिखाई दे रहा है। आपके साथ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है करियर में, थोड़ा सा कोई अप डाउन हो सकता है, कुछ थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कोई आपके साथ गलत व्यवहार भी कर सकता है, गलत काम भी कर सकता है, आपको थोड़ा सा धोखा भी देने की कोशिश कर सकता है, पर अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी इन योर फेवर, क्योंकि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, आपको हैंडल करने के जो तरीका है आपका, जो आपका विल पावर है, उससे आप इन चीज़ों को ठीक कर लोगे, और वो अच्छे से अच्छे आप आगे बढ़ के रिजल्ट को अपना बहुत अच्छा लेके जाओगे। तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो, इमोशनल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, पर फिर भी आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसके बल पे आप उस चीज़ से पार पा जाओगे। बात करें पाइसिस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप। बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, इसका मतलब आप रिलेशंस को लेके सेलिब्रेट कर सकते हैं। रिलेशन को लेके सेलिब्रेट कब करते हैं, या तो आपकी शादी की बात तय हो गई हो, आपका कोई सेरेमनी हो रही हो, रोका सेरेमनी हो रही हो, एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही हो, या आपका रिलेशनशिप में आप और कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपका प्रमोशन हो गया हो, आपका कोई नया काम शुरू हो गया हो, उसको आप अपने मिलने वालों के साथ सेलिब्रेशन मोड में आ सकते हैं। रिलेशन आपके क्योंकि बढ़ रहे हैं, तो रिलेशन दो तरीके से ज़्यादा बढ़ते दिखाई देते हैं। एक, आपकी जब शादी तय हो जाती है तब आपके रिलेशन बढ़ते हैं, दूसरा जब आपकी नई जगह
ट्रांसफर होती है या आपका प्रमोशन होता है तब आपके या आपकी जॉब भी लगती है, तो कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती दिखाई दे रही है। तो जो भी मिले कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें पाइसिन मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है जजमेंट, कार्मिक कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप जैसे पिछला सप्ताह 10 दिन 15 दिन 1 महीना आपने अपनी सेहत के साथ किया, अपने शरीर के साथ किया, वैसे आपको मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जॉगिंग वॉकिंग है ना, डाइट कंट्रोल, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये सब किया, तो आपकी सेहत इस सप्ताह और आगे भी अच्छी जाती दिखाई दे रही है। पर अगर आपने इन नियमों को पालन नहीं किया तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको अच्छी सेहत मिलने वाली है, कहीं ना कहीं उसका एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है। तो जो पीछे गया वो तो गया, आज से जब से आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं अपने को चेंज कर लीजिए, इन चीज़ों को फॉलो करने लग जाइए और अच्छी सेहत को अपने को अपनी लाइफ में लेके आइए। ये था पाइसिन मीन राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह 19 अगस्त से 25 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। आपको कैसा लगा, आप इस पर कुछ और भी चेंजेस लाते हैं चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।